बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मंथार न्यूज़ के नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन और मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद अयूब अंदाज़ साहब। एक नई लेटेस्ट वीडियो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद की हिस्ट्री के बारे में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। ख्वाजा ग़ुलाम फरीद चाचड़ा शरीफ पंजाब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सूफी शायर हैं। आपकी शनाख्त शायरी की सिंफ काफ़ी है। आपका ताल्लुक सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया से था। आप नस्बन कुरैशी फारूकी हैं। आप कई नामों से मशहूर व मारूफ हैं। आप ख्वाजा ग़ुलाम फरीद, खुर्शीद आलम, पीर फरीद, फरीद ख्वाजा साहब, घोट फरीद, रोहिदा घोट, पीर फ़कीर, अवामुन्नास में ज़दो आम हैं। ख्वाजा ग़ुलाम फरीद की पैदाइश बरोज़ मंगल 25 नवंबर 1845 ईस्वी को बहावलपुर के कस्बा चाचड़ा शरीफ में हुई। आपके ख़ानदान का नस्ली सिलसिला या शिजरा नसब हज़रत उमर फारूक से जा मिलता है। आपके ख़ानदान में एक शख्स जिसका नाम शेख कोर बिन हज़रत शेख प्रिया था, इसलिए कोर की वजह से लफ्ज़ कोरेजा बन गया। आपका तारीखी नाम खुर्शीद आलम रखा गया। आपके वालिद का नाम ख्वाजा खुदा बख्श उर्फ महबूब इलाही था। आप 4 बरस के हुए तो आपकी वालदा का इंतकाल हो गया और जब आपकी उम्र 8 बरस हुई तो आपके वालिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने कुरान की तालीम मियां सदरुद्दीन और मियां मोहम्मद बख्श से हासिल की। आपने फारसी की तालीम मियां हाफिज़ ख्वाजा जी और मियां अहमद यार ख्वाजा से हासिल की। ख्वाजा ग़ुलाम फरीद के बुज़ुर्गों के एक मुरीद मिठन खान जतोई थे, जिनके नाम से कस्बा कोट मिठन आबाद हुआ। जब कोट मिठन पर काबिज़ पंजाब के सिख हाकिम मुसलमानों को तंग करने लगे तो आपके वालिद ख्वाजा खुदा बख्श अपने ख़ानदान के साथ कोट मिठन से चाचड़ा शरीफ रियासत बहावलपुर मुंतकिल हो गए। जब आप 13 बरस के हुए तो आपने अपने बड़े भाई ख्वाजा फ़खर जहां से बैत की। जब आपकी उम्र 27 बरस थी तो इस वक्त आपके मुर्शिद और बड़े भाई ख्वाजा फ़खर जहां का इंतकाल हो गया। फिर आप सजादा नशीन बने। आप बड़े सखी थे। आपके लंगर का रोज़ाना का खर्चा 12 मन चावल और 8 मन गंदम था। तकरीबन 100 से 500 आदमी हर वक्त आपके साथ रहते थे। आपके पास जो कुछ आता सब शाम तक गुरबा व मसाकीन में तकसीम कर देते थे। आपकी जागीर से सालाना आमदनी 35,000 रुपये थी। आप इंतहाई सादा थे। आप दिन में गंदम की एक रोटी खाते और रात को गाय का दूध पीते थे। आप 18 वर्ष रोही यानी चोलस्तान में रहे। आपने अपने मुरीद खास नवाब ऑफ बहावलपुर जिसका नाम नवाब सादिक मोहम्मद राबे अबासी था को नसीहत की थी कि जेर थी जबर न बढ़ मता पेशम दी होवी, यानी नरमी अख्तियार करो, सख्ती न किया करो, वरना अल्लाह ताला तुम पर भी सख्ती कर सकते हैं। ख्वाजा ग़ुलाम फरीद की उम्र जब 26 साल हुई तो आपकी शादी राजनपुर के माड़ा खानदान में हुई। आपकी पहली बेगम का नाम मोहतरमा हजरत बीबी जहरा था। पहली मोहतरमा जौजा के वतन से एक बेटा और बेटी थी। मोहतरमा बीबी जहरा के वसाल के बाद आपकी दूसरी शादी मुल्तान के बैड़ी पोतरा में हुई। आपकी दूसरी बेगम का नाम मोहतरमा बीबी होता था। मोहतरमा बीबी होता से कोई औलाद न थी। हजरत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद की तीसरी शादी चोलिस्तान में हुई। आपने शायरी भी की और आपका ज़्यादातर कलाम सराइकी ज़बान में है जिसका नाम दीवान फरीद है। इसके अलावा उर्दू अरबी फारसी पूर्वी सिंधी और हिंदी में शायरी भी की है।
और आपका उर्दू दीवान भी मौजूद है। आपके सराइकी दीवान में 271 काफियां हैं। आपने काफ़ी की सिंफ में ऐसी बाकमाल शायरी की है कि बिलाशुबा उनकी शायरी दुनिया के अजीम तरीन अदब का असासा है। सराइकी शायरी को जिस आला मकाम पर आप छोड़ के गए थे, आज भी उनसे बेहतर नहीं कहा जा सका। लतीफ़ एहसासात, जज्बात और इसमें वजदानी कैफियात को इस तरह मिला देना के शीरो शकर हो जाएं, ख्वाजा की शायरी का अदना कमाल है। सिलसिला चिश्तिया के आम मसलक के मुताबिक आपका नज़रिया भी हमा औस था, यानी आप तौहीद वजूदी के कायल थे। आपका तमाम कलाम इसी रंग में रंगा हुआ है, उन्हें हर रंग और अंग में अल्लाह के हुस्न के जलवे नजर आते हैं। क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। क्या हाल सुनावा दिल दा, मुँह धूड़ मिट्टी सिर पायुम, सारा नंग नमूज विंजायुम। मुँह धूड़ मिट्टी सिर पायुम, सारा नंग नमूज विंजायुम। कोई पुछण न वेड़े आयुम, हथों उल्टा आलम खिलदा। क्या हाल सुनावा दिल दा, आया बार बरूं सिर बारी, लगी हो शहर खुआरी। आया बार बरूं सिर बारी, लगी हो शहर खुआरी। रोंदे उम्र गुजारी सारी, न पायुम दस मंजिल दा। क्या हाल सुनावा दिल दा, दिल यार किते कुर लावे, तड़पावे ते गम खावे। दिल यार किते कुर लावे, तड़पावे ते गम खावे। दुख पावे सूल निभावे, इहो तौर तेरे बे दिल दा। क्या हाल सुनावा दिल दा, दिल प्रेम नगर डूतांगे, जिथा पैंडे सख्त अड़ांगे। दिल प्रेम नगर डूतांगे, जिथा पैंडे सख्त अड़ांगे। ना राह फरीद न लांगे, ना राह फरीद न लांगे। हे पंद बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। आपका विसाल चाचरा शरीफ में 24 जुलाई 1901 ईस्वी बरोज बुध हुआ। उस वक्त आपकी उम्र 56 बरस थी। आपका एक बेटा हजरत ख्वाजा मोहम्मद बख्श उर्फ नाजुक करीम और एक बेटी थी। आपका मज़ार कोट मिठन ज़िला राजनपुर में है। यूं भी बयान किया जाता है कि ख्वाजा साहब आखिरी अपने वक्त में ज़ियाबतीस के मर्ज में मुबतला थे, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और आखिरकार मौत के साथ इसका अंजाम हुआ। यहाँ पे ख्वाजा ग़ुलाम फरीद का एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर कलाम, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफत कुरान भी तू, मेरे फ़र्ज फरीज़े हज ज़कता सौम सलात अज़ान भी तू, मेरी जोहद इबादत तात तकवा इल्म भी तू, इरफान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक भी तू, वजदान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। हमने अपनी तरफ से आपको दुरुस्त मालूमात देने की कोशिश की। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा मंठार न्यूज़ की टीम को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।